So hi guys, I'm Nikhil Dhabai and I'm back with a new session. And in this session, हम बात करेंगे एक रियल लाइफ स्टोरी की। ये सेशन जनरली इसलिए मैं लेके आया हूँ क्योंकि यहाँ पर आज के समय के लिए अगर हम बात करें, अभी के टाइम की अगर हम बात करें, तो काफ़ी बच्चे बहुत परेशान हैं कि सर क्या करें यार। हमारे लिए अब टाइम जो बचा है वो बहुत कम बचा है। हमने अपने लॉकडाउन डेज कर दिए वेस्ट। हमने जितनी पढ़ाई करनी चाहिए थी उतनी पढ़ाई की नहीं है एक्चुअली। और अब जो है हमें टेंशन हो रही है और अब हमें लग रहा है कि अब मार्क्स लाना इज इम्पॉसिबल फॉर अस, अच्छी रैंक लाना इन IIT और नीट इज इम्पॉसिबल फॉर अस। मतलब ये सब कुछ अब हमें इम्पॉसिबल सा लगता है। अब तो बस पास हो जाएं यही बहुत बड़ी बात होगी। तो ये कंडीशन आज लगभग 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 90% बच्चों की है। उनको ये लगता है कि यार अब हमारे चीज़ें हमारे हाथ से जा चुकी हैं, अब टेंशन होने लगी है और अब करें तो क्या करें, टाइम पे हमने पढ़ाई की नहीं तो अब करें तो क्या करें। तो यार उन सभी बच्चों के लिए मैं आज एक स्टोरी लेके आया हूँ। हो सकता है आपने ये स्टोरी पहले भी सुनी हो बहुत बार, है ना, यूट्यूब पे कहीं ना कहीं आपने ये स्टोरी सुनी हो किसी और टीचर के थ्रू या किसी और मोटिवेशनल स्पीकर के थ्रू। लेकिन कई बार क्या होता है कि स्टोरी सुनने के बाद भी वो हमारे जहन में नहीं होती है, वो नीचे चले जाती है। तो उसको वापस से आप रिकॉल कर लीजिएगा इस सेशन के थ्रू, ठीक है। और यहाँ पर जिन्होंने अगर नहीं सुनी है और वो पहली बार सुन रहे हैं ये स्टोरी, तो सच में आप इस स्टोरी को सुन के एकदम आश्चर्यचकित हो जाओगे। यू विल फील अमेज्ड कि यार इज मतलब इज इट अ रियल स्टोरी और जस्ट लाइक अ फिल्मी स्टोरी। सो मतलब फिल्मी स्टोरी से भी ज़्यादा मोटिवेशनल चीज़ है ये, और ये एक रियल लाइफ स्टोरी है। ये स्टोरी है एक रियल लाइफ हीरो की, कैरोली टेकस। और इन्होंने ये प्रूव किया कि यार नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। बस बात ये है कि आप अपने माइंड में डिसाइड कर लो कि व्हाट यू वांट। इफ यू विल डिसाइड, ओके, इफ यू विल डिसाइड द थिंग एंड अपने माइंड में वो चीज़ सेट कर लोगे, सो योर बॉडी विल वर्क अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंग भी काम होने लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो यार फटाफट से ज्वाइन कर लो, उस पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। सेशंस के जो भी PDF होते हैं वो आपको वहाँ पे शेयर होंगे। और अगर आपने हमारा ये चैनल जो है NCERT 11th एंड 12th सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। और वेदांतु, जैसा आपको पता है कि वेदांतु के कई पेड कोर्सेज रहते हैं, तो इन पेड कोर्सेज को अगर आपको लेना है, इनका सब्सक्रिप्शन लेना है, सो दीज आर ऑल फॉर यू। एंड यहाँ इनके बहुत बेनिफिट्स हैं इन पेड कोर्सेज के। इससे आपको पूरी तरीके से आपकी प्रिपरेशन जो है, जो कि आपके बोर्ड लेवल की प्रिपरेशन है उसके लिए अलग कोर्स है, नीट लेवल की प्रिपरेशन के लिए अलग कोर्स है, JEE के लिए अलग कोर्स है, तो सब चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। तो अभी हम अगर बोर्ड की बात करें, तो जैसा वहाँ पर आप देखेंगे कि बोर्ड्स के लिए अगर बात की जाए तो बोर्ड्स के लिए यहाँ पर आपको प्राइस लिस्ट मेरे हिसाब से दिख रही होगी। हाँ, सो 1 मंथ के सब्सक्रिप्शन के लिए अगर आप जाओगे तो आपको 3 सब्जेक्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ ₹59 पे करने हैं पर डे। 3 मंथ के लिए जाओगे तो ₹53 आपको पे करना है पर डे, ठीक है, समझ में आ रही है बात। ऐसे ही अगर आपको 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हो तो सिर्फ और सिर्फ ₹44 आपको पे करना है। क्लियर है यहां तक बात? तो यहां पर आप NK प्रो कोड यूज करके 20% डिस्काउंट आप पा सकते हो, ठीक है। और VDNT.in/YT Pro पे आपको जाना होगा इसके लिए, और वहाँ पे आप कोर्स को जो है देख सकते हो, और भी अलग टाइप के जो भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। ये तो सिर्फ मैंने CBSE वाले कोर्स की बात करी। आपको नीट और JEE के लिए जाना है तो आप ये लिंक विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आते हैं हमारे आज के कहानी पर, जो कि एक रियल लाइफ कहानी है। तो देखो यार, जो हमारे ये टकस थे, इनका एक सपना था, और सपना था ओलंपिक्स में अपने मातृभूमि, अपने देश, अपने कंट्री के लिए गोल्ड मेडल निकालना, और वो ओलंपिक्स था 1940। लेकिन कहानी 1940 से स्टार्ट नहीं होती, कहानी स्टार्ट होती है कुछ साल पहले, ठीक है। तो जब बात करें हम 1936 की, सो कैरली टकस जो थे ये ऑलरेडी 1936 में इतना ज़्यादा इन्होंने प्रैक्टिस कर ली थी शूटिंग में, ये एक शूटर थे, ठीक है, आर्मी में थे, तो इन्होंने इतनी अच्छी शूटिंग कर ली थी कि ये अपने नेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा इन्होंने मेडल्स जीत लिए थे। और नेशनल छोड़ के 1936 तक ये इंटरनेशनली एक बहुत ही फेमस वर्ल्ड शूटर बन गए थे, है ना, बेस्ट शूटर बन गए थे, और इनके नाम का डंका बजता था कहाँ पर, शूटिंग में।
और मतलब हाल ये थे कि यार अगर ये ओलंपिक खेलते तो यहाँ इनके जीतने के चांसेस बहुत थे। लेकिन यहाँ हुआ क्या कि आर्मी के कुछ पॉलिसीज़ की वजह से इनकी जो रैंक थी ये सर्जेंट थे, और कुछ पॉलिसीज़ की वजह से सर्जेंट जो थे वो अलाउड नहीं थे पार्टिसिपेट करने के लिए, है ना, थोड़ा और हायर रैंक्स चाहिए थी। तो किसी वजह से, उस वजह से इनको 1936 के ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया। लेकिन ये पाबंदी, ये रेस्ट्रिक्शन जो था वो बाद में कुछ सालों बाद हटा लिया गया, आई थिंक 1 या 2 साल बाद। मतलब कुल मिला के जो नेक्स्ट ओलंपिक आने वाला था 1940 का, उसके लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर थे। इन्होंने अपना जो ड्रीम था वो इनके माइंड में सेट था, ये प्रिपरेशन में एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से लगे हुए थे। लेकिन 1940 से 2 साल पहले 1938 में क्या हुआ? 1938 में, क्योंकि ये आर्मी में थे, ट्रेनिंग दे रहे थे, तो ट्रेन करते वक्त जब ये ग्रेनेड जो होता है उसको लॉन्च करना जब ये सिखा रहे थे, तो वहाँ पर क्या हुआ कि एक एक्सीडेंट हुआ और ग्रेनेड इनके राइट हैंड में, जो कि जिस हैंड से ये शूटिंग किया करते थे उसी हैंड में एक वो ग्रेनेड फट गया और इनका राइट हैंड पूरी तरीके से उसके चितड़े चितड़े हो गए। आप सोच सकते हो कि एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, एज अ आर्मी पर्सन, मतलब अब क्योंकि उनका हाथ नहीं रखा है तो राहत नहीं रहा है, तो वो आर्मी में भी सर्व नहीं कर सकते। प्लस उनका जो दूसरा, एक तरीके से आप बोलोगे कि जिस चीज में उनका इंटरेस्ट था, जो उनका ड्रीम था, वो भी अब उनसे छीन लिया था किस्मत ने। कैसे? कि जिस हाथ से शूट करते थे अब वो हाथ ही नहीं रहा। आप खुद सोचो, कुछ ऐसी बात है कि आप सीधे हाथ से लिखते हो, आपको इतने साल से प्रैक्टिस है, और अब आपको बोल दिया जाए कि यार सारे काम आप उल्टे हाथ से कीजिए। ठीक है, मान लीजिए आप बैट्समैन हैं, ठीक है, आप बॉलिंग करते हैं, तो आप राइट हैंड बॉलर हैं, आपको बोले कि नहीं यार आप अब लेफ्ट हैंड से बॉल कीजिए, आप लिखते हैं नहीं आप लेफ्ट हैंड से लिखिए, तो कितना अजीब होगी ये चीज़। आ रही है बात समझ में यहाँ तक कि किस कंडीशन में वो वहाँ पर होंगे? लेकिन लेकिन हमारे जैसा इंसान होता तो सच में हार मान के बैठ जाता, क्योंकि अभी तो हम यार कोरोना से हार गए, अरे मैंने पढ़ाई नहीं करी, इतना रोना धोना। तो ये वो इंसान थे, ये वो हीरो थे जिन्होंने रोना धोना जो है नहीं किया, है ना, कि किस्मत ने ठीक है मेरे साथ कुछ दाव उलटका उल्टा खेल दिया, लेकिन मेरे ड्रीम्स मैं ऐसे ही छिनने नहीं दूंगा, जो बचा है मेरे पास मैं उसको यूटिलाइज करूंगा। तो ये वापस ठीक होने के 1 महीने बाद ये मैदान में उतरे, जहां पर जैसा कि आपको पता है कि इनके पास सर्कमस्टेंसेस एकदम विपरीत थे, एकदम अपोजिट थे, लेकिन जो जीत की चाह रखने वाले जो विनर्स होते हैं वो हमेशा सर्कमस्टेंसेस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, वो हमेशा लगे रहते हैं अपने मेहनत की ओर, अपने लक्ष्य की ओर, हार्डवर्क, डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ। इन्होंने भी वही किया, ऐसा नहीं कि ये एकदम नेगेटिव सोच में चले गए, नहीं, इन्होंने सोचा कि नहीं मुझे तो फोकस करना है। इनके पास दो रास्ते थे ना, या तो ये नेगेटिव सोच में जा सकते थे कि यार लाइफ बर्बाद हो गई अब कुछ नहीं बचा, ना मैं अब एक आर्मी पर्सन रहा और ना एक स्पोर्ट्स पर्सन, तो अब मैं क्या करूं। तो यार इन्होंने ऐसा नहीं सोचा, इन्होंने सोचा जो है उस पर मैं अपनी एनर्जी लगाऊंगा, उस पर मैं सारी पॉजिटिविटी डालूंगा, और इन्होंने फोकस किया ऑन हिज ड्रीम। और ठीक होने के 1 महीने बाद ये वापस मैदान में उतरे, 1 साल इन्होंने भरपूर ट्रेनिंग की अपने उल्टे हाथ से, जिससे शायद वो सही से लिख भी नहीं पाते होंगे क्योंकि प्रैक्टिस नहीं थी, उस हाथ को इन्होंने ट्रेन किया शूटिंग के लिए, कोई नेशनल लेवल की शूटिंग के लिए नहीं। आप सोचो, उनके मन में ड्रीम था ओलंपिक्स, और 1 साल बाद वो मैदान में उतरे, किसमें? हंगेरियन नेशनल पिस्टल शूटिंग। और वहां पर जब ये मैदान में पहुंचे तो लोगों को लगा कि यार ठीक है यार, ये शायद हो सकता है लोगों को मोटिवेट करने यहाँ आए हो, तो लोगों ने इनको बोला कि यार आपके साथ इतना सब कुछ हो गया और फिर भी आप यार हमें मोटिवेट करने आए हो, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इन्होंने बोला कि मैं तुम्हें यहाँ मोटिवेट नहीं करने आया, मैं यहाँ तुम्हारे साथ कम्पीट करने आया हूँ, मैं तुम्हारा कॉम्पिटिटर हूँ। सो उन्होंने बोला कि मैं यहाँ गेम देखने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कॉम्पीट करने आया हूँ। और आप यकीन नहीं करोगे, जिस हाथ से शायद वो ढंग से लिख भी नहीं सकते थे और काम ढंग से कर भी नहीं सकते थे, उनको उस उन्होंने उस हाथ को, टकस ने उस हाथ को इतना ट्रेन कर लिया कि उन्होंने वो चैंपियनशिप जीती 1939 में, 1 साल के अंदर, सोचो आप। और वो चैंपियनशिप जीतने के बाद अगला एम उनका था, वो यहीं थोड़ी ना रुकने वाले थे, उनके मन में, उनके दिलो दिमाग में एक ही चीज थी, ओलंपिक गोल्ड। और वो एकदम जुट गए तैयारी में, लेकिन वापस से किस्मत ने फिर उनके साथ एक चोट की, वर्ल्ड वॉर 2।
उसकी वजह से ओलंपिक्स 1940 के कैंसल हुए। 1940 के ओलंपिक्स कैंसिल हुए, उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं यार, कैंसिल हुए, मैं अगले ओलंपिक्स के लिए प्रिपेयर करूंगा। फिर से अपनी सारी निराशा को दूर फेंकते हुए, अपनी सारी नेगेटिविटी को अपने बॉडी से एकदम थ्रो करके उन्होंने पॉजिटिविटी के साथ, पूरी फुल एनर्जी के साथ काम किया अगले ओलंपिक्स के लिए, और वर्ल्ड वॉर रुकने का नाम नहीं ले रही थी, अगले ओलंपिक्स भी कैंसिल हो गए। आप सोचो, कहानी स्टार्ट हुई थी 1936, एक तरीके से वो वहां पीक पे थे। पहले आर्मी की पॉलिसी के कारण ओलंपिक नहीं खेल पाना, फिर हाथ का ही चले जाना, फिर वर्ल्ड वॉर की वजह से फिर दो ओलंपिक्स जाना, 1936 से 1944। मतलब अब नेक्स्ट ओलंपिक कब है? 1948। आप समझ सकते हो, इतना लंबा गैप हो चुका है कि इस गैप में न जाने कितने और नए शूटर्स आ गए होंगे, और वो बूढ़े हो चुके हैं, टक्कर सब बूढ़े हो चुके हैं, समझ रहे हो? अगर हमारे 5 साल भी निकल जाए तो बहुत लंबा गैप लगता है। आप खुद सोचो, आज अभी शायद आप 11th 12th में हो, 5 साल पीछे जाओगे, 6 साल पीछे जाओगे, आप 5th और 6th क्लास के बच्चे थे, आपको क्या पता था? आप सोचो कितनी बड़ी गैप होता है ये 5 या 6 साल, और इनके साथ 36 से 44, और उनको 48 के लिए प्रिपेयर करना था, समझ रहे हो आप? लगभग लगभग ये 12 से 13 साल का गैप हो चुका है। लेकिन वो यहां रुकते नहीं, वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे 48 के लिए प्रिपेयर करना है, और वो वापस से फुल एनर्जी के साथ प्रिपरेशन में लग जाते हैं, जो कि जितने भी यंग एथलीट्स हैं उनको पछाड़ने के लिए वो तैयार रहते हैं। वो बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन उनकी रगों में जो खून है वो एक जवान दिल से भी ज्यादा है ना, ज्यादा जोशीला है, तभी वो एकदम उतरते हैं किसके अंदर, अगले ओलंपिक्स के अंदर 1948 में। और 1948 में वो ओलंपिक्स जीतते हैं विद अ गोल्ड मेडल। गोल्ड जीतने के बाद अब तुम बोलोगे कि चलो यार, दैट इज द मतलब स्टोरी खत्म, स्टोरी खत्म हो चुकी, अब तो क्या है यार, उन्होंने जो चाहिए था वो इन्हें मिल गया। लेकिन यार, जो विनर्स होते हैं वो कभी भी होता है ना, कि भूख जब होती है इंसान के अंदर, भूख जब होती है तो वो क्या क्या चीज अचीव नहीं कर जाता। तो ये उस वक्त कुछ ऐसी बात थी कि यार, लोगों को मतलब एकदम, वो एकदम शॉक्ड थे कि ऐसा कैसे हो सकता है यार, कि अपने एक ऐसे हाथ को ट्रेन करना जिसमें वो बिल्कुल भी मतलब कंफर्टेबल नहीं थे, और इस लेवल तक ट्रेन करना कि पूरी दुनिया में बेस्ट बन के निकलना, ये अपने आप में एक बहुत ही अलग बात थी, और इस उम्र के साथ। और यहीं पे वो रुकते नहीं है, फिर वो लगे रहते हैं, और अगले ओलंपिक्स जो कि था 1952, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और वहां भी वो गोल्ड फोड़ते हैं, वहां पे भी वो तहलका मचा देते हैं, लठ गाड़ देते हैं, समझ रहे हो? मतलब क्या डेडिकेशन, क्या लेवल होगा यार उनका, कि हाथ चले जाने के बाद भी 2 बार गोल्ड जीते, और ये ऐसा करने वाले इस पर्टिकुलर गेम में दुनिया के पहले शूटर बनते हैं, पहले शूटर जिन्होंने ऐसा किया, आप सोचो। तो ये एक कितनी ज्यादा मोटिवेशन से भरी हुई कहानी है, कि एक आदमी जिसका एक पॉइंट पे किसी को मतलब, और कोई होता तो वो सोचता सोचता कि यार सब कुछ छिन चुका। आप सोचो यार, आप अभी जिस स्टेज पे हो, तो आपने लॉकडाउन में मान लीजिए पढ़ाई नहीं की होगी या कम की होगी, ऐसा तो नहीं है ना कि आपने बहुत कुछ पढ़ाई की थी और किसी एक्सीडेंट की वजह से आप सब कुछ भूल चुके, अब आपको फिर से सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ये तो उस कंडीशन से उठे जहां पर ये सब कुछ खो चुके थे, इनको जीरो से स्टार्ट करना था। आपने ठीक है कुछ हासिल नहीं किया, आपने खोया भी कुछ नहीं ना, आपको भी जीरो से स्टार्ट करना है। आप तुम बोलोगे सर, बट टकस के पास इतने साल थे, हमारे पास इतने साल नहीं, हमारे पास कुछ महीने। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, तुम्हें ये चीज समझनी होगी कि अकेले टकस के पास वो साल नहीं थे। वो टाइम पे ओलंपिक कैंसिल हुए तो अकेले टकस के लिए कैंसिल नहीं हुए, बात समझ में आ रही, सभी के लिए कैंसिल हुए। तो अगर उनको ये टाइम गैप मिला तो बाकी जो कॉम्पिटिटर्स थे उनको भी मिला। और ये टाइम मिलना, ये एक पॉजिटिव चीज नहीं थी, टाइम मिलना ये एक नेगेटिव चीज होती है, आदमी बोर हो जाता है, परेशान हो जाता है कि यार कितना मैं सहूं, कितना मैं झेलूं इस चीज को। जितना भी आप लक्ष्य के दूर होते हो उतना ही आपको जो है परेशानी ज्यादा महसूस होती है, उतना ही आपको वो पाथ कठिन लगता है, डिफिकल्ट लगता है, यू विल फील मोर डिफिकल्टी, ये ध्यान रखो।
तो आपके पास, आप बोलोगे हमारे पास कुछ महीने हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आपके पास फिर सिर्फ कुछ महीने हैं, सभी के पास कुछ महीने हैं। हो सकता है कुछ लोग आपसे आगे हों, लेकिन अगर आप ठान लोगे, इफ यू मेक अप योर माइंड, इफ यू विल डिसाइड योर गोल, देन यू विल अचीव इट। इट ओनली डिपेंड्स ऑन योर हार्डवर्क एंड योर डेडिकेशन, हाउ डेडिकेटेड यू आर। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग गाइस, नाउ दिस इज द टाइम एंड दिस इज द ओनली टाइम। इफ यू वॉन्ट टू डू इट, यू विल डू। अगर तुम चाहते हो करना तो बिल्कुल कर जाओगे, तुम चाहते ही नहीं हो तो नहीं करोगे। बात समझ में आ रही है ना? कि यार देखो, तुम कोई बोले कि यार मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, लाने हैं तो फिर काम करो उसके अकॉर्डिंग, पढ़ाई करो, रोना धोना बंद करो। ये जो इंसान, कई लोग होते हैं ना जो रोते धोते रहते हैं कि यार ये हो गया वो हो गया, यार जिसको कुछ मिलता नहीं है ना, मिलता नहीं है मतलब जो लूजर होता है एक तरीके से, वो हमेशा रीजंस गिनाएगा, वो दूसरों के ऊपर जो है ब्लेम करेगा कि इसकी वजह से ऐसा हो गया, कोरोना की वजह से ऐसा हो गया, मेरे घर वालों ने मुझे अच्छा नेट नहीं लेके दिया था, मैं ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, इसकी वजह से ऐसा हो गया, मेरे पास मोबाइल नहीं है, इसकी वजह से ऐसा हो गया, है ना, ये हमारे स्कूल वाले तो अच्छा ही नहीं पढ़ा रहे, तो हमेशा वो ब्लेम करेंगे। और जो परफॉर्मर होते हैं वो ब्लेम नहीं करते, वो परफॉर्म कर जाते हैं अपने हार्डवर्क के थ्रू। जगह जगह पर इतनी चीजें अवेलेबल हैं, अगर आप ढंग से जाओगे, जैसे हमारा चैनल ही आप ले लीजिए, अगर आपने ढंग से चैनल को देखा है, या बाकी और चैनल्स और इतनी चीजें हैं यार, मैं नहीं कह रहा हमारा चैनल, और कहीं जाओगे आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। बस बात यह है कि आप डिसाइड कर लो, तो अभी से अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। क्या सीख मिलती है इस कहानी से? कि स्टॉप ब्लेमिंग सरकमस्टेंसेस, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो तभी सक्सेस मिलेगी। तुमको लगता है कि यार मेरे से 2 घंटे ही पढ़ाई हो पाती है, मैं आधे ही घंटे पढ़ पाता हूँ, तो लगता है तो फिर ये भी मत सोचो कि यार तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे, तुम IIT क्लियर कर जाओगे, तुम एक डॉक्टर बन जाओगे अच्छे कॉलेज से। नहीं, मत सोचो, फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी। तुम बोलोगे 8 से 10 घंटे कैसे करें यार, लोग 16-15 घंटे पढ़ाई करते हैं, है ना, तुमने कोटा के बच्चों को नहीं देखा जो प्रिपरेशन में लगे रहते हैं, कितनी मतलब कितनी डेडिकेशन के साथ वो प्रिपरेशन में लगे रहते हैं यार, 15-15, 16-16 घंटे उनकी पढ़ाई होती है। अब तुम ये सुन के ही डर जाओगे। बस यही तो डिफरेंस होता है यार, एक तो होता है आदमी कि जो चाहता सब कुछ है लेकिन मेहनत करने को बोल दो तो वो बस बैठ जाता है हाथ बांध के कि यार हमसे नहीं हो सकती, हमसे नहीं होगी मेहनत, तो फिर जो है सोचो भी मत। अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स चाहिए तो यार मेहनत करो, लाइफ इजी रहेगी। अभी मेहनत कर लोगे तो आगे जो है लाइफ बहुत ही स्मूथ रहेगी। हार्डवर्क को अपनी हैबिट बना लो, अदरवाइज आज मेहनत नहीं करोगे तो इससे डबल ट्रिपल या 10 टाइम्स मेहनत तुमसे लाइफ के सर्कमस्टेंसेस करवा देंगे। ये लिख के ले लो मुझसे। हो सकता है बात बुरी लग रही होगी आपको, लेकिन आज अगर मेहनत नहीं करी तो लाइफ तुम्हें गधे की जैसे मेहनत आगे करवा देगी। तुम खुद सोचो यार, एक अगर तुम एक मजदूर को देखोगे, है ना, हो सकता है उस बेचारे को तो यार बचपन में अपॉर्चुनिटीज मिली नहीं हो, अपॉर्चुनिटीज की कमी की वजह से आज वो मजदूरी कर रहा है, सुबह से लेकर शाम तक पत्थर तोड़ता है, फैक्ट्री में काम करता है, खुदाई करता है, न जाने क्या क्या करता है यार, अलग अलग टाइप के। इतनी मेहनत के बाद उसे इतना सा पैसा मिलता है कि बस वो अपनी 2 टाइम की रोजी रोटी जो है उसको चला पाता है। सोचो सिर्फ इतना सा सोचो, ठीक है? तो ये कंडीशन में कहीं आप अपने आप को ना पहुंचा लो। मैं नहीं कह रहा कि मजदूरी कर लो, है ना, कि मजदूरी करनी पड़ जाएगी, लेकिन बात समझो आप कि कितना इंपॉर्टेंट है टाइम। अगर इस टाइम पे आपने मेहनत नहीं करी तो आपको लाइफ आगे मेहनत करवा देगी, तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, उससे आप कभी बच नहीं सकते, ये ध्यान रखना, मेहनत से आप कभी बच नहीं सकते। कहने वाले कहते हैं अरे अभी पढ़ लो बाद में मजे ही मजे, मजे नहीं है भाई, मेहनत को, हार्डवर्क को अपनी हैबिट बना लो जिससे कि आगे तुम्हें तकलीफ ना हो। तो आज के लिए इतना ही, बस अब अपने आप को झोंक दो पढ़ाई में और लग जाओ आज से, बिल्कुल बोर्ड क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल IIT नीट क्लियर हो जाएगा, अगर तुमने ठान लिया है, बस एक स्ट्रैटेजी के साथ प्रॉपरली पढ़ाई करने लग जाओ, प्योर पढ़ाई, कोई बकवास नहीं, कोई बकवास नहीं कि मस्ती मजाक चल रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, बिल्कुल नहीं, पढ़ाई पे लग जाओ, तभी चीजें पॉसिबल होंगी, ठीक है? तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आप मोटिवेट हुए होंगे, और नहीं हुए हो तो भी मैं कहता हूं पढ़ो, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। बाकी जितना भी आपके पास चीजें अवेलेबल हैं उनको यूटिलाइज करो, और
जो माइंड डिसाइड कर लेगा उसी तरीके से आपकी बॉडी एक्ट करेगी। तो मैं यही कहूंगा कि बस पढ़ाई पे लग जाओ। और हमारे यार टेलीग्राम ग्रुप को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो इस लिंक के थ्रू, vdnt.in/tgncrt। प्लस ही साथ ही साथ आप अगर ये जो अपना चैनल है, ठीक है, इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो इसी तरीके के वीडियोस आपको इस चैनल पे और आगे देखने को मिलेंगे। प्लस हमारा क्रैश कोर्स भी चल रहा है, ठीक है, हमारा क्रैश कोर्स भी चल रहा है 12th का, उसको भी आप रेगुलरली अटेंड कर सकते हो। 2 महीने में हम सिलेबस कवर करा रहे हैं, 1 हफ्ता ऑलरेडी गुजर चुका है जिसमें हमने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कवर कर लिया है। अभी मंडे को हम वेव ऑप्टिक्स देखने वाले हैं, तो वहां पर आप देखिए। इसी तरीके से अमृत सर, वर्षा मैम, साक्षी मैम, हम सभी लगे हुए हैं यार आप लोगों के लिए। तो बस आपको तो क्लासेस अटेंड करनी है, ठीक है, तो आप आओ क्लासेस अटेंड करो क्रैश कोर्स को। और 12th और 11th के जो बच्चे हैं आइए, सबके लिए सेपरेट बैचेस चल रहे हैं, तो क्लास अटेंड कीजिए और अपने मार्क्स इंप्रूव कीजिए यार। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, बाकी आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। तो बाय, आई एम साइनिंग ऑफ, योर बड़ा भाई निखिल धाबाई। ओके, तो पढ़ना मत भूलना, यही मैं बोल रहा हूँ, और सब कुछ भूल जाना लेकिन पढ़ना मत भूलना। तो बाय, एंड दैट इज द थिंग कि लर्न टुडे एंड लीड टुमारो। सो बाय गाइस।